आप देख लीजिए डॉक्टर। इसे हम इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं, हैं? जब कार्डियक अरेस्ट होता है तो इसे हम इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास है वेंटिलेटर, में हम वेंटिलेटर शिफ्ट करेंगे तो उस वक्त हम इस पर वेंटिलेटर पर, और ये ऑक्सीजन, ठीक है। तो देखिए इसमें फीचर हैं, देखो ECG भी है इसके साथ, हैं रेस्पिरेटरी रेट रख सकते हैं, पीप रख सकते हैं, कितना वेंटिलेटर शिफ्ट करेंगे तो उस वक्त इसमें हैं रेस्पिरेटरी रेट रख सकते हैं, पीप रख सकते हैं, कितना ऑक्सीजन जस्ट होल्ड डाउन एंड बिकम्स ए इमरजेंसी रेस्पॉन्स के लिए जी जल्द। ये एक अच्छा स्टेप है, ये एक पॉजिटिव स्टेप है, और ये हमारे लिए, हर एक के लिए, पेशेंट के लिए, या कहीं भी यहाँ नज़दीक में कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है, कोई मेडिकल इमरजेंसी होगी, कोई सर्जिकल इमरजेंसी होगी, इसका कार आमद आना तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और आज जो इन्होंने किया, मैं इनसे और रिक्वेस्ट करूंगा कि इसमें एक दो और ऐड करें ताकि ज़्यादा अच्छे से एक फ्लीट एक बने यहाँ से। हमारा जो गवर्नमेंट सिस्टम है उसमें भी है, लेकिन ये अच्छी बात है। और भी अगर कोई जायज़ NGO है जो भी काम करते हैं इसमें, मेडिकल में ज़्यादा है, वो ज़्यादा अच्छा रहे। पिछले जो 2-3 वीक से थोड़ा सा ये केसेस बढ़ते आ रहे हैं, रीज़न यही है कि हमने प्रिकॉशंस करनी छोड़ दी। आप देखिए, शादियों का सीज़न स्टार्ट ही नहीं हुआ, हमने बिल्कुल SOPs पे ध्यान देना ही छोड़ ही दिया, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कहीं कहीं जगह हमने ये भी देखा, वो त्रामी और 4 लोगों का सिस्टम और स्टार्ट हो गया। जहाँ भी आप जाइए आपने देखा कि वहाँ गैदरिंग में कोई SOP का नाम ही नहीं लेता। लोगों से यही मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, यही गुजारिश रहेगा, SOPs का ध्यान रखें, खासकर जहाँ गैदरिंग होगी, चाहे सोशल हो, रिलीजियस हो, या मैरिज में भी जाए, सोशल डिस्टेंस का बड़ा ख्याल रखें, मास्क पहन के रखें, हैंड हाइजीन का ख्याल रखें।